नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी बड़ी और ताजा खबरें। उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही कहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 1 अप्रैल से मिलेगी 25% ज्यादा वेतन, सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, अप्रैल महीने में कुल 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, तुरंत निपटा लीजिए काम। बिहार के लोगों को बिजली बिल पर झटका, 24.10% की बढ़ोतरी का हुआ फैसला। राहुल गांधी मानहानि केस में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, तुरंत जमानत भी मिली। भाजपा में बड़े बदलाव, सीपी जोशी राजस्थान और सम्राट चौधरी बने बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सरकार ने संसद में दी जानकारी, पिछले साल यूपीआई से हुई 195 करोड़ से अधिक की लेन देन, 95,000 लोग हुए धोखाधड़ी का शिकार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, के हालात तैयारियों की हुई समीक्षा। 2050 तक पानी के संकट से सबसे ज्यादा जूझेगा भारत, पाक चीन भी मुसीबत में, यूएन की रिपोर्ट में दावा। जयराम रमेश की सीबीआई चीफ को चिट्ठी, लिखा अमित शाह से पूछिए किस आधार पर संगमा सरकार को भ्रष्ट बताया। मूडीज ने कहा एशिया में उभरती अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमजोरी चिंताजनक, भारत पर ज्यादा खतरा। राहुल मानहानि मामले में दोषी करार, बीजेपी का पलटवार, क्या न्यायपालिका को भी अपनी जेब में रखना चाहती है कांग्रेस। अडानी मामले में खुलासों से हलचल मचाने वाले हिंडनबर्ग का दावा, एक और बड़ी रिपोर्ट आने वाली है। एमके स्टालिन बोले राज्यपाल को वापस भेजा जाएगा ऑनलाइन जुआ, निषेध विधेयक, राज्य सरकार को कानून लाने का अधिकार। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 21 रन से हराया, वनडे सीरीज 2-1 से की अपने नाम। कोरोना पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने की सांस की बीमारियों से पीड़ित सभी मरीजों की जांच पर दिया जोर। 78,800 करोड़ रुपए के दिल्ली बजट ने दिखाए बड़े सपने, भाजपा ने पूछा पिछले वादों का क्या हुआ। आज से भारत दौरे पर रहेंगे अजय बंगा, प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण से करेंगे मुलाकात। दुनिया भर में होगा मन की बात के 100वें संस्करण का प्रसारण, भाजपा कर रही है खास तैयारी। नमामि गंगे के तहत फरवरी तक 35,414 करोड़ रुपए की 424 परियोजनाएं शुरू, 242 पूरी हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज हुए बीजेपी नेता, थामा कांग्रेस का दामन। बड़ी खबर, अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के पास 6G के 227 पेटेंट। आतंकियों से संबंध रखने के मामले में एनआईए की छापेमारी, नागपुर में 3 जगहों पर जांच जारी। तमिलनाडु में बनेगा पहला पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क, एमओयू पर हुए हस्ताक्षर, लाखों को मिलेगा रोजगार। एक्सबीबी 1.16 की वजह से बढ़ रहे कोरोना मरीज, जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाले वैज्ञानिकों ने दी जानकारी। मेघालय असम सीमा विवाद को हल करने के लिए अप्रैल मई में होगी वार्ता, सीएम बोले समिति का किया गठन। कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, राहुल गांधी से जुड़ा है मामला। बंगाल शिक्षा बोर्ड ने 300 शिक्षकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस, हड़ताल के दिन रहे थे अनुपस्थित। बड़ी खबर, रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में सीजीआई बोले जिम्मेदार पत्रकारिता लोकतंत्र के बेहतर भविष्य का इंजन। एयरलाइंस डूब रही थी तब माल्या ने विदेश में खरीदी 330 करोड़ की संपत्तियां, सीबीआई का बड़ा दावा।
सीमा का मुद्दा जटिल पर कोई पक्ष टकराव नहीं चाहता, बोली चीनी राजदूत। बड़ी खबर, कर्नाटक की राहुल की सादगी से जेपी नड्डा डरे, इसलिए भाजपाई रोज लेते हैं उनका नाम, बोले केपीसीसी चीफ शिव कुमार। रूस यूक्रेन युद्ध पर सेना प्रमुख बोले समुद्री क्षेत्र में कम लागत वाली रक्षात्मक प्रणालियां कमजोर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति पर कांग्रेस ने की टिप्पणी, बोली यह क्लीन चिट समिति होगी। केंद्र ने दी जानकारी, 11.49 करोड़ घरों तक पहुंचा नल के पानी का कनेक्शन, 1.53 लाख गांव में हुई पेयजल आपूर्ति। प्रधानमंत्री ने ITU के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का किया उद्घाटन, शिक्षक जी का दृष्टि पत्र भी लॉन्च। 160 साल पुराने राष्ट्रपति निलियम का दीदार कर सकेंगे आम लोग, द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। बड़ी खबर, भारतीय सेना ने सैनिकों के राशन में मोटे अनाज के आटे को भी किया शामिल। सीएम योगी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र, बोले 6 साल पहले कोई मानता ही नहीं था कि यूपी कभी सुधरेगा। 2023 के मध्य में लॉन्च हो सकते हैं चंद्रयान 3 और आदित्य L1, इसरो चीफ बोले यह एक बड़ी सफलता होगी। अखिलेश यादव का बयान, लोकसभा चुनाव 2024 में दिखेगा समाजवादी आंदोलन का असर। राहुल की सजा पर केजरीवाल, गैर भाजपा नेताओं पार्टियों को खत्म करने की साजिश, मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। बड़ी खबर, हिमाचल कैबिनेट की बैठक कल, लिए जाएंगे अहम फैसले। LG मनोज सिन्हा ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किया याद, बोले सर्वोच्च बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। फिरोजपुर और तरन तारण में इंटरनेट पर 24 मार्च तक बैन, 6ठे दिन भी पकड़ से बाहर है अमृतपाल। हिमाचल को वाटर सेस देने से हरियाणा का इनकार, विधानसभा में प्रस्ताव पारित, हिमाचल के फैसले से 336 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। राहुल गांधी न कभी किसी से डरे हैं और न ही किसी से डरेंगे, भाई को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बोली प्रियंका गांधी वाड्रा। राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, 25 के बाद सामान्य होगा मौसम। लुधियाना में खुलेंगे 30 और नए आम आदमी क्लिनिक, इस बार शहरी क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता। डिप्टी CM केशव मौर्य बोले गिरफ्तारी की बात कहे अखिलेश को नहीं करनी चाहिए सहानुभूति हासिल करने की कोशिश। बड़ी खबर, दिल्ली से जयपुर अजमेर वंदे भारत ट्रेन अप्रैल के पहले सप्ताह से दौड़ेगी। COVID-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दी 5-फोल्ड रणनीति अपनाने की सलाह। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से शनिवार को करेगी मुलाकात। अमृतपाल का गनमैन गोरखा बाबा गिरफ्तार, शराब तस्करी के मामले में जा चुका है जेल, 2 अन्य हिरासत में। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।